आपको पता ही होगा कि 24 अगस्त से जो है जियो फोन की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जियो फोन को बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जो है माई जियो ऐप का। आप जो है माई जियो ऐप से बहुत ही आसानी से इस फ़ोन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप जो है जियो का सिम यूज करते हैं तो आपको जो है अपने मोबाइल में माई जियो ऐप को इंस्टॉल करके रखना होता है। अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में माई जियो ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली उसको ओपन कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने माई जियो ऐप को ओपन किया तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के दो ऐड चलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि है एक तो रिचार्ज का 399 रुपये जियो धनधनाधन का और एक है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन का। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है इंडिया का स्मार्टफोन प्री बुकिंग। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस वाले ऐड पे जो है मैनेज बुकिंग पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। ये आपको जो है अपडेटिंग के लिए थोड़ा समय मांगेगा, तो हम यहां पे इसको थोड़ा समय दे देंगे और ये ऑटोमेटिकली यहां पे साइन इन यानी कि लॉगिन हो जाता है। अगर दोस्तों आपका जो है ये ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होता है तो आप वहाँ पर अपना नंबर जो है इनपुट करके अपने जियो नंबर से यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऐड आपको फिर से दिखाई दे, यहाँ पे कि आपको फ़ोन का जो ऐड दिखाई दे रहा है एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, बुक जियो फोन नाउ एट 500 रुपये ओनली, यानी कि प्लीज प्रोवाइड मोबाइल नंबर आईडी एंड डिलीवरी पिन कोड टू बुक जियो फोन, यानी कि आपको जियो फोन बुक करने के लिए अपनी एक आईडी डिलीवरी पिन कोड यानी कि अपने जो है एरिया का पिन कोड वहां पे देना होगा तो आपका जो है जियो फोन बुक हो जाएगा। यहां पे इस प्रकार से आपको नीचे की ओर बुकिंग ऑनर मोबाइल नंबर यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है जिस नंबर से आप अपने जियो फोन को बुक करना चाहते हैं वो आप यहां पे टाइप कर देंगे, जैसा कि यहां पे मेरा नंबर पहले से ही टाइप होके आ रहा है। ये जो एंटर न्यू पिन कोड यहां पे मांग रहा है तो हम आप जो है यहां पे अपनी एरिया का पिन कोड दे देंगे जहां पे आपको जो है अपनी डिलीवरी करानी है। तो मैं यहां पे अपनी एरिया का पिन कोड दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे अपनी एरिया का पिन कोड टाइप कर दिया है 246761। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको प्रोसीड पे अभी क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिखाई दे रहा होगा और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे यहाँ पे प्रोसीड से ऊपर जो आपको थोड़ी ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है इस पे जीरो आइटम दिखाई दे रहा है और टोटल जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है वो भी जीरो दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने अभी अपनी डिटेल तो भर दी लेकिन आपने ये अभी सेलेक्ट नहीं किया कि आपको कितने फ़ोन चाहिए और आपसे आपको जो है कितना बैलेंस पे करना होगा। तो आपको यहाँ पे प्लस के बटन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक आइटम यानी कि एक मोबाइल जो है बुक होने के लिए तैयार है। और एक मोबाइल के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन के समय आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एक आइटम यानी कि मोबाइल सेलेक्ट हो चुका है और अमाउंट आपका 500 रुपये हो चुका है। तो चलिए इसी प्रकार से अगर आपको करने हैं दो फ़ोन बुकिंग तो एक बार फिर से यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दो आइटम यानी कि दो मोबाइल यहाँ पे बुक हो चुके हैं और टोटल अमाउंट आपको अब यहाँ पे करना होगा 1000 रुपीज़। आपको प्रोसीड के बटन पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका पे का ऑप्शन आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप जो है अपनी डिटेल दोबारा से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिलीवरी पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 2467 और आपका यहाँ पे नंबर भी आ रहा है। दोनों फ़ोन इसी एड्रेस पे जो है आपके डिलीवर होने हैं। तो आप जो है सिंपली यहाँ पे के बटन पर क्लिक कर देंगे। पे के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे आप किस माध्यम से जो है अपने इस बैलेंस को पे करना चाहते हैं। चाहते हैं यहाँ पे पेटीएम से बैलेंस पे करना तो आप पेटीएम से भी जो है पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं जो है यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड से जो है
पे करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड जो है चूज कर लिया है। आपको जो स्क्रीन पे ये डेबिट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर 16 अंक का नंबर डालना होगा, जैसा कि आप इस एटीएम कार्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं। यह आपका 16 अंक का एटीएम कार्ड नंबर होता है। और यहाँ पे आपको जो है जो एक्सपायरी डेट आपके कार्ड की होती है, जैसा कि आप यहीं इस कार्ड पे देख रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है ऐसे ही कुछ सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको CVV यानी कि CVC दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे 3 अंक पीछे की ओर जो कार्ड पे लिखे होते हैं वे यहाँ पे एंटर करने होंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना नाम डालना होगा, जिसके नाम पे दोस्तों कार्ड आपका रजिस्टर है। आपको यहाँ पे पूरी डिटेल डालने के बाद मैक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास जो है बैंक में रजिस्टर नंबर पे एक OTP यानी कि मैसेज आएगा। उसमें एक OTP होगा 6 अंक का, वो आपको अगले पेज में डाल करके आपको पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपके जो जियो फोन है वो जो है बुक हो जाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आपके जियो फोन आपके पास होंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप जो है इन फोन को बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर की। तो मिलेंगे अपने चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।